जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है बीजेपी का दलित प्यार, जो यकीन मानिए कुछ हद तक एक मजाक बनता जा रहा है। दलित के घर खाना खाने को लेकर बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए यह रास्ता निकाला था, लेकिन बीजेपी के तमाशबीन नेताओं ने पूरी सोच को तमाशा बना दिया है। एक नेता कहते हैं कि हमारे जाने से जैसे शबरी शुद्ध हो गई थी, भगवान राम के जाने से दलित शुद्ध हो रहे हैं। आरएसएस ने भी दलित के घर जाने को लेकर शोबाजी करार दिया है। अब दलित के सवाल पर तीन तरह के नेता आपके सामने हैं। एक वो नेता जो दलितों के घर जा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उनके जाने बगैर पार्टी कर रहे हैं वहां पर। दूसरे नेता वो हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है दलित के घर जाना क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है। और तीसरे नेता वो ये कह रहे हैं कि दलितों के घर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे दलित का अपमान होगा। देखिए दिक्कत क्या है, आपकी जहनियत में होनी चाहिए बात, तभी वो बहुत ही स्वाभाविक ढंग से बाहर आएगी। मगर जब ये शोबाजी होती है, ये सिर्फ सियासत होता है, तो फिर ऐसे ही ड्रामे होते हैं। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने न केवल बीजेपी के दलित मिशन पर सवाल उठाया है, बल्कि दलितों का अपमान भी कर दिया है। अनुपमा जायसवाल ने कहा कि दलितों के घर मच्छर काटते हैं, फिर भी हम दलितों के घर जाते हैं खाना खाने, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अनुपमा जी, आप एहसान नहीं कर रही हैं जाकर, क्योंकि ये किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा है। और अब वो कह रही है कि हमें मच्छर काटते हैं तब भी हम जाते हैं। ये हैं हमारे मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। गरीबों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो, आज हमारा युवा इस तरह से भटके नहीं, तो इनको ध्यान में रख के योजनाएं बनाई जा रही और योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार के मंत्री जा के रात भर मच्छर काट रहे हैं और जा रहा है और सबसे बड़ी बात बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। किसी को दो मिले तो कहता है मेरे को चार जगह और मेरी चौपाल करा देना। एक तो ये है नवरत्न, इसके अलावा आपको याद है बीजेपी के एक नेता थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने ये कह दिया था कि साहब जैसे शबरी शुद्ध हो गई थी भगवान राम के जाने से, वैसे ही ये दलितों जो है उनका शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये जज्बा है। बहरहाल दलितों के घर जाने को लेकर एक और बड़ा चेहरा है उदित राज, उन्होंने कहा है कि दलितों के घर जाएंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने एक किस्म से कहा है कि इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे दलितों में हीन भावना जागती है। उदित राज ने राहुल गांधी की भी मिसाल दी, कहा कि वो भी 2014 में दलितों के घर जाते थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ राहुल गांधी को। सवाल ये कि क्या दलित उदित राज पार्टी को ये कह रहे हैं कि दलित के घर खाओगे तो हार जाओगे? और जाहिर सी बात है वो किसी और को नहीं, पार्टी को ही कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह का ड्रामा करेंगे। देखिए सवाल खाने को लेकर नहीं है, सवाल ये कि जब आपके नेता के जुबान पर जो बात दिल में है वो निकल आती है, और दूसरी तरफ आपके सामने हकीकतें हैं। तथाकथित श्रवण अगर दलित के घर पर जाके खाना खाने का जो कृत्य कर रहे हैं कि इससे समाज में एकता पैदा होगी, मैं कहूँगा कि इससे कटुता पैदा होगी। इसका रिएक्शन पूरे देश में जा रहा, और जो पढ़ा लिखा है जागरूक तबका है वो इसको अपमान की दृष्टि से ले रहा है कि मेरे यहाँ आकर के, हमारे समाज में आकर के हमारे जो घाव हैं उनको फिर ताज़ा करने का काम करते हैं कि हम नीच हैं या ऊँच हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत अभ्यास किया था 2014 के पहले, खूब दलितों के घर में गए थे और कितना राजनीतिक लाभ मिला सब जानते हैं इस बात को। अगर आप संजीदा हैं तो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है योगी राज के तहत, उसे खत्म करने का प्रयास करें। उसको लेकर जिस तरह की एक अविश्वास की स्थिति दिखाई दे रही है उसे खत्म करने, इस तरह का जब ड्रामेबाजी होती है तो नतीजा आपके सामने है। और कुछ और विरोध की आवाजें आप सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। कि आज मैं भारत की सांसद हूं, लेकिन मुझे कोई भारत की सांसद नहीं कहता, मुझे बल्कि कहता है अनुसूचित जाति की सांसद। आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको भारत देश के राष्ट्रपति नहीं कहा जाता, बल्कि उनको दलित राष्ट्रपति कहा जाता। ये बयान किसी विरोधी का नहीं,
बल्कि बीजेपी की बहराइच से सांसद सावित्री बाई फुले का है। बीजेपी के दलित भोज पर इतना बड़ा हमला तो कभी विपक्षी कांग्रेस भी नहीं बोल पाई। ये बयान सुनिए और दलित सांसद का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। भोजन बनाने वाला भंडारी कोई और होता है, भोजन परोसने वाला कोई और जाति के होते हैं, और बर्तन टेंट का होता है, उस बर्तन में बनाया जाता है, लेकिन केवल अनुसूचित जाति के घर पर बैठ करके खाना जो भोजन करते हैं और उसका फोटो खींच करके और टीवी पर पेपर में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चला करके और पूरे देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है। सावित्री बाई फुले ने जो कहा इसके पीछे हाल ही में सामने आई दो तस्वीरें हैं। ये है पहली तस्वीर जिसमें अलीगढ़ के खैर गांव में दलितों के घर भोजन करने गए यूपी के मंत्री सुरेश राणा। वो अलग बात है कि दलित के घर ये खाना अपनी मर्जी से रसोइये से बनवाते हैं। यहाँ पालक पनीर है, मखनी दाल है और तंदूरी रोटी है। मंत्री जी के लिए ये पूरा इंतजाम सामुदायिक केंद्र में किया गया था। दावा है कि यही खाना मंत्री ने दलित के घर खाया। हालांकि मंत्री जी का दावा है कि खाना दलित ने ही बनाया था। वहाँ के प्रधान भी दलित हैं, वहाँ के उस क्षेत्र के विधायक भी श्री अनूप वाल्मीकि जी दलित समाज से संबंध रखते हैं, और उन्होंने स्वयं प्रशासन से एक लेटर देकर के परमिशन भी मांगी थी कि हम सब लोग गांव के लोग मिल करके सामूहिक रूप से भोजन बना करके इस विषय को करना चाहते हैं। ये है दूसरे मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर। पहले इन्होंने झांसी में एक दलित के घर खाना खाया, फिर दिया ऐसा बयान जो खुद में जातीय श्रेष्ठता से भरा हुआ है। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मेरे रक्त में धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा का दायित्व है, और प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में मैं पुनः साधुवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने प्रेरित किया, जिन्होंने उस दिशा की ओर हमको मोड़ा जिससे हम बहुत दूर थे। इनको जोड़ के इनका प्यार देख रहे हैं, इनका स्नेह देख रहे हैं, पूरे परिवार के चेहरे का भाव पढ़िए, इन्हें लगता है कि इन्हें कोई अनमोल चीज मिली है जिसे ये खरीद नहीं सकते। शायद यही वजह है कि बीजेपी के कद्दावर नेता उमा भारती जब कहती हैं कि जातीय व्यवस्था खत्म हो चुकी है तो ये बात उनकी पार्टी की सांसद को ही चुभती है। और आरएसएस ने भी इससे शोबाजी करार दिया है। जी हां, आरएसएस ने भी शोबाजी करार दिया है। बीजेपी नेताओं को दलितों के घर जाकर खाना खाने के दिखावे से बचना चाहिए। आप दलित को स्वाभिमान दीजिए। जब आप रैली से पहले उन्हें साबुन और शैंपू धोते हैं देते हैं ताकि वो साबुन और शैंपू लगाकर आपकी रैली में आ सकें और उसके बाद ही वो आपसे मिल सकें, तो ये स्वाभिमान नहीं, ये ढकोसला है, ये ड्रामा है। और हमारी ये तमाम रिपोर्ट्स और बीजेपी के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, खुद जो आरएसएस आवाज उठा रही है, उससे यही साबित होता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।